जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो लक्ष्मी आती ही नहीं। बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है। वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में 7 पुष्प, कितने फूल, 7 पुष्प कर, 7 घी के दीप, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। कभी मौका मिले हृदय से दामोदर मास में, कार्तिक मास में, वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, घी का दिया लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं, 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने, पर उस दिए के कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का हो जाएगा। 14 दिए का डाल, इसमें 14 दिए का, चौधा दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दिए, आज वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है, 14 दिए जिस भाव से जिस मन से घर के बाहर लगाएं, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाएं घर में लगाकर घी के दिए, तो उन दीयों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराएं। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, घृत के दिए, घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 के 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं, एक दिया गोल बत्ती का लगाएं, फूल बत्ती, फूल बत्ती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया। अब अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं, 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर जरूर देखना, आपको मालूम कि हरिहर मिलन का दीप सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया, उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की हो जाएगी।
हल्का सा कलर दूध का कैसा, ज्यादा नहीं मिला ना, थोड़ी सी मिला कर आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर दिया, रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे उसका, थोड़ा सा खा लो चाय उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास तो लाओ, दूध में गोल कर देता कैसा। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के दिए की कालों से, वो दूध थोड़ा सा चम्मच, दो चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोज दिए के डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जो सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद मारा। ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग, जम के तो बोलो, चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया, पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है चावल का दाना चढ़ा दिया। अक्षत का मतलब यह होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य एक चावल के दाना चढ़ाना, मतलब सब चढ़ जाए एक अक्षत। पर उस चावल का महत्व क्या है, बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है, बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है, शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है, उसकी मूलता क्यों भरा जाता है। बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है, वो चावल क्यों डाला जाता है, उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर मांग में सिंदूर भरकर माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती हो। अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृ दोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृ दोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहाँ का होता है, जम के बोलो, उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहाँ होता है, उत्तर की ओर। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत ज़रूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत ज़रूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो, कहाँ बैठोगी, इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुँह कहाँ होता है, उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो, यहां बैठकर जल चढ़ा, वो पानी यहां जब बहकर तुम यहां बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह करकर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।